मायके में, ससुराल में, ऑफिस में, ऐसा समाज जहां लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। मैंने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है, तुम हो इतनी खूबसूरत कि मुझसे रहा नहीं जाता। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार इग्नोर किया है, और अब मेरी शादी होने वाली है, अगर अब मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट अपने पेरेंट्स से कर दूंगी। यार इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा के पास जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारी शादी होने वाली है ना, आओ तुम्हें ना और खूबसूरत परमानेंट मेकअप कर देता हूँ। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर यूं कहे कि उसका सो कॉल्ड ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती तो या तो उसे गोली मार दी जाती है या उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना और ब्लेड से काटना हमारे देश में आम बात हो चुकी है। हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलेगी तो बलात्कार तो होंगे ही, कोई और नहीं हमारे में से ही लोग, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है। ए भाई साहब आपको नहीं पता, लड़कियां लड़कों को उकसाती है इसलिए बलात्कार होते हैं। मैं आप सबसे पूछता हूं, 2.5 साल की बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? अभी कुछ महीने पहले 8 महीने की बच्ची का बलात्कार हुआ, उसने किसको उकसाया था कि उसका बलात्कार किया गया? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल उठाते हैं? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों पर ही रोक टोक और उन्हीं पर अंकुश लगाने की बात करते हैं?